बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कटिंग की। मैंने इसके पहले कटिंग करी थी वीडियो में, तो मैं आज इसकी स्टिचिंग करूँगी आपको। तो ये कमीज़ है, तो मैंने इसका सलवार के आपको कटिंग और स्टिचिंग दोनों दी थी। तो ये हमें कमीज़ है ये, तो ये फ्रंट है कमीज़ का। तो इसमें आगे मुझे लगाना है डिज़ाइन, तो मैं इसका बिल्कुल इसका सीध निकाल लूँगी और यहाँ मैं गले का नाप छोड़ के और फिर इसको लगाऊंगी, ताकि मेरा इतना डिज़ाइन वेस्ट भी ना जाए और नीचे तक आ जाए। तो यहाँ देखिए, इसमें ना एक्स्ट्रा कपड़ा था, तो मैं इसको काट लूँगी और यहाँ इसको मैं मशीन से इसको लगा दूँगी। तो मैंने ना इसको ना बिल्कुल बीचों बीच लगा के, और मैंने चौक से इसका निशान लगा लिया है। तो अभी मैं इसमें ना सिलाई लगा दूँगी। तो यहाँ मैंने इसकी सिलाई लगा दी है। अभी देखिए, इसका गला है, तो ये शलवार का कपड़ा है जो मैं गले का इसका डिज़ाइन बनाऊँगी। तो यहाँ मैंने गोल गला काटा था, और ये मैंने कटिंग की थी जब भी मैंने इसको काट के बता दिया था आपको। तो यहाँ मैंने इसका ना कपड़े को भी जो बिल्कुल बीचों बीच ले लूँगी, और यहाँ सिलाई में बीच में नहीं डालूँगी, बिल्कुल कोर पर डालूँगी। और आहिस्ता आहिस्ता मुझे इसका गला बनाना है। तो देखिए, मैंने गले की मैंने सिलाई डाल दी। और यहाँ मैं इसको लगा लूँगी, तो मैं इसको है ना फ्रंट में नहीं रखूँगी, मैं इसको बैक जो मेरा है ना पीछे का जो कपड़ा है, मैं उस तरफ इसको रखूँगी और इसको उलट लूँगी, तो ये सीधे की तरफ आ जाएगा। तो मैंने उल्टे कपड़े की तरफ गला लगाया, और यहाँ मैं इसकी सिलाई डाल दूँगी। ये एक्स्ट्रा कपड़ा था जो मैं इसको कट कर दूँगी, और यहाँ मैंने सिलाई लगा ली है, तो यहाँ मैंने कटिंग कर ली। अब यहाँ मैं बिल्कुल बिल्कुल बारीक बारीक कट लगा लूँगी छोटी कैंची से। और ये देखिए, मेरे फ्रंट की तरफ आ गया है, और ये सीधे की तरफ एक बिल्कुल सफाई से पट्टी बन गई है गले में। तो यहाँ मैं डाल दूँगी इसमें सिलाई, तो ये देखिए मेरा गला बन के रेडी है। और यहाँ मैं बनाऊँगी अभी पीछे का गला, तो बैक का गला जब मैंने कटिंग की थी, जब भी आपको बता दिया था काटना, और मैं जब भी इसकी कटिंग कर लेती हूँ, और ये इसकी मैं ना इसमें कोर बना लूँगी। तो कोर की आसानी से आप जब तुरपाई करते हैं, तो बिल्कुल आसानी से और ईजी तुरपाई हो जाती है फटाफट से, सिलाई से जब हम कोर बना लेते हैं गले की। तो ये देखिए, बिल्कुल गोल कटिंग की थी मैंने गले के बराबर इसकी, और यहाँ ये मैं पट्टी लगा लूँगी। आप चाहे तो इसमें बड़े पट्टी भी काट के लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ बिल्कुल गोलाई से इसकी ना पीछे का गले की कटिंग कर लेती हूँ। यहाँ एक्स्ट्रा कपड़ा है, तो इसको मैं काट दूँगी ये चीज़ें, और पीछे भी मैं वैसे ही कट लगा लूँगी।
तो यहाँ पे जो मैंने पट्टी ली थी उसके ऊपर यहाँ पे इसको कपड़े को दबा के और यहाँ मैं ऊपर की तरफ सिलाई डालूँगी पूरे गले में। इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और ना ये अच्छे से सफाई से उलट जाता है। ये देखिए अपने आप ये ना बिल्कुल आगे की पीछे की तरफ घूम जाता है। ये देखिए तो अब यहाँ मैं अपने शोल्डर्स को ना उनको जॉइंट कर लूँगी दोनों कमीज़ों को रख कर, और यहाँ ये देखिए मैं इसकी पट्टी इसके ऊपर डाल दूँगी और यहाँ मैं इसमें लगा लूँगी सिलाई। तो मैं दोनों तरफ के कंधों के ना टाका लगा लूँगी। तो ये देखिए ये सफाई से गला बन के तैयार है, आगे का भी और पीछे का भी। तो यहाँ मैं बाद में कर लूँगी इसमें तुरपाई, और यहाँ मैं लगाऊँगी आस्तीन। तो कपड़ा हमारा कम था तो यहाँ आस्तीन में मैंने जोड़ा है, तो इस जोड़ को मैं बैक की साइड लूँगी, दोनों तरफ से मैं बैक की साइड लूँगी। तो इसका जो जोड़ आ रहा है मैं फ्रंट के पास में लूँगी और यहाँ बैक की साइड आ जाएगा। तो आप इस तरीके से टाँगा लगाएं कि जो आपका जोड़ है वो बैक की साइड आए। ये मैं ना आस्तीन में इसका डिज़ाइन डाल दूँगी, सिंपल पट्टी में लगाऊँगी इसमें। तो यहाँ मैंने दो पट्टी कट करूँगी। और यहाँ ये देखिए मैंने कट कर लिया, और यहाँ मैं इस तरीके से लगाऊँगी इसको कि इस ये ऊपर की तरफ आ जाएगा डिज़ाइन। तो मैं हाथों की मदद से इसको प्रेस करूँगी और इसको बिल्कुल अब इस पर मैंने दोनों तरफ सिलाई डाल दूँगी। यहाँ देखिए मैंने दोनों तरफ इसमें डिज़ाइन डाल दिया आस्तीनों में। अब मैं यहाँ लगाऊंगी इसमें टाँका फिटिंग का, तो यहाँ पे मैं फिटिंग लगाऊंगी कुर्ते की। यहाँ मैंने ना टेबल पे कुर्ते को भिजा लिया था। अब मैं इसका नाप करूँगी और नाप करके मैं इसके नाप की मदद से मैं इसमें ना इंची टेप की मदद से मैं इसमें नाप लगा लूँगी अपना।
तो ये मैं गोलाई से मैं डिज़ाइन डाल लूँगी। तो हिप्स का और कमर का मैंने निशान लगा लिया है और सेम चेस्ट का भी मैंने इसमें निशान डाल दिया है। अब यहाँ मैं डालूँगी आस्तीन, आस्तीन का वो नाप। अब यहाँ मैं लगा लूँगी कटिंग का नाप लगाना। कटिंग का नाप लगाने के बाद मैं अब इसमें लगा लूँ सिलाई। यहाँ मैं दोनों तरफ लगा लूँगी इसमें डाला, उधर भी और इधर भी। और यहाँ देखिए दामन में मैंने कपड़ा बाजी किया था, मैंने डिज़ाइन डाल दिया था। अब मैं यहाँ कर लूँगी इसके उल्टन। तो यहाँ मैं चाप की और नीचे की कोरी की उल्टन कर लूँगी। तो यहाँ देखिए मेरे कमीज सिल गया है, मैं सीधा करके आपको दिखाऊंगी। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। तो यहाँ देखिए मेरा जो कुर्ता है वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ मैं अभी इसमें प्रेस लगा लूँगी। प्रेस लगाने से पहले मैं पीछे के गले की तुरपाई कर लूँगी। तो चलो चलते हैं फिर। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।